मेरे मन में यह था कि मुझे एक बार अवश्य इस पवित्र स्थान पर जाकर यहां व्याप्त ऊर्जा को अनुभव करना चाहिए। पिछले वर्षों में एक से भी अधिक बार कुछ कार्यक्रम तय भी हुए, लेकिन व्यस्तताओं के चलते और एकाएक आई कुछ ऐसी परिस्थितियों के चलते उन कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। लेकिन मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बाबा के इस घर में बाबा की आज्ञा के बिना शायद आना संभव नहीं था, और बाबा ने मुझे आज्ञा आज ही दी। और ऐसी जगह जहां अनेक अनेक लोग पिछले इतने वर्षों में आत्मा से परमात्मा के जुड़ाव के रास्ते पर आगे बढ़े हों, जहां प्रतिदिन उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा लोग हजारों लाखों लोगों को मिलती हो, निश्चित ही उस जगह से सजित ऊर्जा का प्रभाव न केवल वहां के वातावरण और वायुमंडल पर, अपितु मैं अभी देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संदेश जो पुस्तिका में छपा था, आदरणीय मृत्युंजय भाई ने जो मुझे दिखाया था, उसमें लिखा था कि उसका प्रभाव यहाँ के पर्वत, यहाँ जंगल, यहाँ पानी, यहाँ पेड़ पौधे सब पर पड़ता है। और कोई व्यक्ति यदि आंख मूंद करके भी उसको अनुभव करने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसको अनुभव यहाँ होता है। मैं अपने आप को यहाँ आकर के उस असीमित अपरिमाणित ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान ने इस आजादी के अमृत वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश था उसके साथ में जुड़ने का संकल्प लिया। अभी मुझे बताया गया कि 15,000 कार्यक्रम वर्ष भर में होंगे, ऐसा कल्पना की गई थी। लेकिन सौभाग्य की बात है, और मैं निश्चित ही अभिनंदन करना चाहता हूं संस्थान से जुड़े सभी भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने देश नहीं दुनिया भर में केवल 3 महीने के कालखंड में उन 15,000 कार्यक्रमों को आयोजित किया। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह से जब समाज के ऐसे संस्थान इस तरह के विषय के साथ में जुड़ते हैं तो निश्चित ही वो विषय एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता है, और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इसे जन आंदोलन बनाने में एक बहुत प्रभावी भूमिका तय की। पर्यावरण के साथ हमने भोगवाद के और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के जो कुछ है उसे हम प्राप्त करें, इस लालसा, इस अभीप्सा के चलते जिस तरह से दोहन किया, उस दोहन के कारण से जो चुनौती आज दुनिया के सामने खड़ी हुई, और जिस चुनौती को पार पाने की कल्पना हमने वैज्ञानिकों के माध्यम से की थी, आज पर्यावरण के बदलते हुए स्वरूप और उसके कारण से बढ़ती हुई चुनौतियों के कारण से यदि सबसे ज्यादा कोई भयभीत है तो वो वही वैज्ञानिक समाज है। और उसका मार्ग यदि कहीं से जाता है तो वो संतुलन के रास्ते से जाता है, और संतुलन अगर कहीं से मिलता है तो वो साम्य से मिलता है, और साम्य कहीं मिलता है तो वो ईश्वर के साथ में एकाकार से मिलता है, और उस एकाकार का मार्ग यदि कहीं से जाता है तो वो इस पुण्य भूमि से जाता है। मैं इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। हम सब लोग इस आजादी के अमृत वर्ष में इस संकल्प के साथ में जुड़े कि जल का तत्व का संरक्षण हो। मुझे अभी बताया गया कि इस परिसर में भी जितना भी पानी जो उपयोग में आता है उसको रिसाइकल करके वापस उपयोग में लिया जाए। निश्चित रूप से यह समय की आवश्यकता और मांग है। इस जल के चक्र में, वाटर साइकिल में, यदि हम एक बूंद भी पानी को रिसाइकल करते हैं तो हम एक बूंद पानी का नया एडिशन करते हैं, जो सिद्धांततः संभव नहीं है। अगर सिद्धांतिक दृष्टि से मैं देखूं तो जल के चक्र में एक भी बूंद का एडिशन संभव नहीं है, लेकिन यदि हम रिसाइकल करके उसको उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है उस एक बूंद का जो है इस जल चक्र में पूरे वाटर साइकिल में एडिशन करते हैं। हमें इस तरह के व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सृष्टि को बचाए रखने के लिए यदि किसी एक तत्व को सबसे पहले बचाने की आवश्यकता है वो हमारा जल है, उसके बाद जो है जंगल है, पहाड़ है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि संस्थान ने लाखों लाख पेड़ इस एक वर्ष में, शायद मुझे गलत नहीं हो तो 75 लाख वृक्ष जो है इस एक वर्ष में उगाने की संकल्पना की है। मैं इस संकल्पना को
बहुत सारा अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आप सबके श्री चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। जय भारत, वंदे मातरम।